नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि अभी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आ रखी है, राजस्थान पटवारी की भी वैकेंसी आ रखी है और हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रखी है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी अधिकांश स्टूडेंट्स ने इन तीनों एग्ज़ाम्स का फॉर्म भर रखा होगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो इन तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी किस प्रकार से एक साथ करें, कि वो राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, राजस्थान पटवारी की तैयारी करें या फिर राजस्थान के हाईकोर्ट जो वैकेंसी आ रखी है उसकी तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप एक समन्वित अप्रोच के साथ यानी एक समन्वित रणनीति के साथ इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। इन तीनों एग्जाम्स के सिलेबस हैं वो कौन कौन से सिलेबस समान हैं, उन सिलेबस को समान रूप से आप पढ़ते हो तो तीनों वैकेंसी के अंदर वो चीज़ आपके काम आने वाली है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से लिख के पूछना, स्पेसिफिक भर्ती से रिलेटेड। और हाँ, एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसका तैयारी का मास्टर वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल से उस तैयारी का सिलेबस, आप स्पेसिफिक अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हो तो वहाँ उस वीडियो को डिटेल से आप डिस्कस करवा मैंने सिलेबस का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, सिलेबस का एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमारे को ये बताएगा कि हमारे को क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे को ये बताएंगे कि हमें कितना पढ़ना है। तो उस चीज़ को मैंने एनालिसिस किया है, टारगेट कितना रखना है वो चीज़ उसमें मैंने एनालिसिस की है और टारगेट को कैसे अचीव करना है, मतलब केवल टारगेट नहीं बनाया कि बताया कि भाई आपको इतने नंबर का टारगेट रखना है, नहीं, उस टारगेट को कैसे आपको अचीव करना है, कौन से सेगमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, कौन से आपको फोकस नहीं करना है, पिछली भर्तियों की जो कट ऑफ थी उनको भी मैंने एनालिसिस करके वो टारगेट एक रीजनेबल व्यवहारिक टारगेट जो आपके लिए अचीवेबल है वो टारगेट उस मास्टर वीडियो में मैंने सारा डिटेल से डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके अलावा आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपकी समय सारिणी जो है ना वो क्या होनी चाहिए वो भी मैंने उसके अंदर डिस्कस करी। तो आज एक बेसिक अप्रोच मैंने तीनों एग्ज़ाम्स को लेके मैं लेकर आया हूँ जिसमें इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है ना उसमें कौन कौन से जो सेगमेंट है, कौन कौन से विषय जो है वो हमारे लिए समान है, उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और सबसे मोटा मोटी बात ये है कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो किस रणनीति के साथ आप तैयारी करें कि तीनों वैकेंसी वाला सिलेबस आपका कवर हो जाए, वो बात इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। देखो आपके एग्जाम कितने, एग्जाम आपके तीन हैं, तीन कौन कौन से, राजस्थान पुलिस, पास पास ही लिखना जरा दोनों, पटवारी और हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट, इन तीनों की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर इन तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों में कॉमन सिलेबस क्या क्या है वो चीज़ देखनी है। सबसे पहले बात आती है राजस्थान पुलिस और पटवारी की। सबसे इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है राजस्थान जीके, पहला टॉपिक कौन सा है, राजस्थान राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री पॉलिटी, जो भी राजस्थान जीके है वो आपका इसमें भी है, वो आपका इसमें भी है। देखो राइट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना राजस्थान जीके। अब ये पहले तो कॉमन चीज़ आएगी, फिर उन कॉमन चीज़ों को पढ़ने के लिए एक शेड्यूल मैंने इस तरीके से सेट किया है ताकि आपका तीनों वैकेंसियों का जो सिलेबस जो है वो कवर भी होगा और उस तीनों वैकेंसियों के सिलेबस को आप एक साथ लेके चल सकते हो, वो चीज़ ठीक है ना। दूसरा जो सेगमेंट है आपका वो है रीजनिंग, ये आपका केवल राजस्थान पुलिस और राजस्थान की पटवारी के अंदर, और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों भर्तियों के अंदर मतलब आपके सिलेक्शन के होने और नहीं होने में डिसाइडर है ये, ध्यान रखना राजस्थान जी के। उसके बाद में आपका कंप्यूटर, ये भी राजस्थान इसके अंदर है, ठीक है ना, राजस्थान पुलिस और राजस्थान की पटवारी के अंदर। उसके बाद में बात आती है आपकी इंडिया जीके की, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये आपके राजस्थान पुलिस के अंदर भी इंडिया जीके है, 35 क्वेश्चन है पार्ट बी का,
ठीक है ना, उसमें इंडिया जी के भी है और आपके पटवारी के अंदर भी जो है वो इंडिया जी के है। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, राजस्थान, जी के हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपका इंडिया जी के हो गया, इसके अलावा आपका साइंस, और ये आपका इधर साइंस, साइंस ये चीजें। इसके बाद में अगर एक चीज और मैं बताऊं आपको तो करंट अफेयर्स, देखो यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया फिर दिखेगा नहीं आपको, तो करंट अफेयर्स, तो यहां पर भी क्या है आपका करंट अफेयर्स, ये इसको इसलिए यहां लिखा क्योंकि, और ये यहां पर भी है आपका राजस्थान, तो यहां पर भी है ही है, ठीक है ना, और यहां पर आपका करंट भी है, ये। अब आप ये देखो कि ये सेगमेंट आपका राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी का कितना परसेंट, यानी तैयारी का आपका सिलेबस का कितना परसेंट कवर कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस और पटवारी की पहले बात करते हैं तो इसमें देखो राजस्थान जीके पार्ट ए रीजनिंग और कंप्यूटर पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट सी के अंदर आपके राजस्थान जीके है जिसमें से 55 क्वेश्चन है टोटल पार्ट सी के अंदर, कितने क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, 55 में से 45 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के हैं और 10 क्वेश्चन आपके महिला और बाल विकास के पुलिस के अंदर, तो राजस्थान जीके इधर कंप्लीट हो रहा है। पटवारी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 60 क्वेश्चन है आपके, 30 नंबर, वो सॉरी 30 क्वेश्चन है 60 नंबर के, 60 नंबर का है, ठीक है ना, और ये पार्ट ए है इसके अंदर, ये अच्छा इसके अंदर भी है आपका कंप्यूटर, तो रीजनिंग के अलावा कंप्यूटर तो इसके अंदर भी है, कंप्यूटर इसमें भी तो है, 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर का कंप्यूटर है इसके अंदर आपके पटवारी के अंदर, हाँ ये चीज। तो पहला यह कॉमन चीज आ चुकी है, राजस्थान जीके आ चुका, करंट अफेयर्स आ चुकी, रीजनिंग आ चुका, कंप्यूटर आ चुका, इंडिया जीके और साइंस, एक बार मिला देता हूँ, साइंस, इंडिया जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, और ये। अब ये आप देख लो कि ये कितना सेगमेंट आपका कॉमन है राजस्थान पुलिस और राजस्थान की पटवारी का। और उधर बात करते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपके सिलेबस के अंदर तीन चीजें, राजस्थान की जीके, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी तीनों भर्तियों के अंदर, इसके अंदर तो है ये, वो मतलब कांस्टेबल की बात नहीं है, और ये हिंदी और इंग्लिश आपके पटवारी के अंदर भी है। तो आपको क्या करना है कि ये जो कॉमन टॉपिक है ना, इन कॉमन टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आपके तीनों भर्तियों के अंदर काम आ सके। हाँ कि भाई साइंस और इंडिया जीके आपके इसमें काम नहीं है, लेकिन आप पटवारी के लिए पढ़ोगे साइंस और इंडिया जीके तो आपका राजस्थान पुलिस वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। आप राजस्थान जीके पटवारी की पढ़ोगे आपका राजस्थान पुलिस का काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको एक स्टैंडर्ड ध्यान रखना है कि मुझे पटवारी की तैयारी करनी है, आपका राजस्थान पुलिस का काम कंप्लीट हो जाएगा। केवल और केवल आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है उसके अंदर, केवल 10 नंबर का, बाकी आप मेरे को बता दीजिए क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। रीजनिंग आपको है पटवारी में, कंप्यूटर आपके पटवारी में, राजस्थान जी के आपके पटवारी के अंदर है, और क्या बचा आपका, केवल 10 नंबर का, वो सॉरी 10 नंबर का क्या 5 नंबर का है, वो 10 क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो गया, 10 नंबर का नहीं 5 नंबर का है, वो 10 क्वेश्चन है उसके, ठीक है ना। तो 5 नंबर का सेगमेंट आपका अलग है राजस्थान, इसके अंदर देखो राजस्थान जी का हो गया, करंट हो गया, ये बे भाग का चीज है तीनों, ये ए भाग का, ये सी भाग का, केवल 5 नंबर का चीज पटवारी से अलग है, बाकी सारा सिलेबस सेम है, ये चीज देखो। तो अगर आप पटवारी की तैयारी का सिलेबस कंप्लीट करते हो, यानी पटवारी आपको सबसे हाई लेवल के ऊपर आपको पटवारी रखना है, अगर आपने तीनों एग्जाम का फॉर्म भरा और तीनों की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप तीनों की तैयारी करना चाहते हो, अगर आपने पटवारी रखा है तो आपका हाईकोर्ट भी कवर होगा, आपका राजस्थान पुलिस भी कवर होगा। कैसे कवर होगा,
राजस्थान पुलिस कैसे कवर होगा? राजस्थान पुलिस में हिंदी और इंग्लिश छोड़ के बाकी सारा जो सिलेबस है वो लगभग लगभग क्या है, सेम है, बस थोड़ा डेप्थ का अंतर है। डेप्थ का अंतर है वो तो आपके लिए फायदा ही है। क्यों फायदा है? अगर आप पटवारी की तैयारी के लिए इंडिया जीके पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपने पटवारी की तैयारी के लिए इंडिया जीके पढ़ी, तो अगर आपने इंडिया जीके पटवारी की तैयारी के लिए इंडिया जीके डेप्थ में पढ़ी तो आपका राजस्थान पुलिस के अंदर तो फायदा ही है। क्यों फायदा है? इसलिए फायदा है कि राजस्थान पुलिस का फॉर्म अगर आज तक की मैं बात करूँ तो लगभग 11 लाख से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं। ये जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक पता नहीं और कितने लाख बढ़ जाएंगे। तो इस कंपटीशन के दौर के अंदर आप एक लेवल ऊपर की तैयारी कीजिए ताकि इस कंपटीशन के अंदर आपका जो है वो सफल होने की संभावना बढ़ जाए। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पटवारी की तैयारी करोगे ना तो आपका राजस्थान पुलिस और आपका हाईकोर्ट का तो कंप्लीट होगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपके उसमें भी है, हिंदी इंग्लिश इसमें भी है। बस केवल अंतर क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेम सेम है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको बोल दिया कि पटवारी और ये कवर होगा, नीचे कमेंट में लिखो कि सर इसमें तो ये वाला टॉपिक भी, इसमें ये वाला टॉपिक, वो मुझे भी ध्यान है क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक में बहुत डिफरेंस है। पटवारी में क्या है, पटवारी में 4 ही टॉपिक है इंग्लिश के, तो वो आगे चीज़ें आएगी स्पष्ट मैं आपको करूँगा कि आपको अगर कोई इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो जिस वैकेंसी के अंदर ज़्यादा टॉपिक है उस वैकेंसी वाली चीज़ों को आपको कंप्लीट करना ताकि वो नीचे वाली वैकेंसी ऑटोमेटिक वो चीज़ कवर हो जाए। क्योंकि इंग्लिश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, क्या पटवारी के अंदर तो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, मॉडल्स और ये एडोमस और फ्रोज और ये वाली चीज़ें हैं, केवल 4 टॉपिक ही है उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स। और इंग्लिश के अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर है, हिंदी थोड़ा यहाँ पर डिटेल के अंदर है, कुछ टॉपिक हिंदी के जो पटवारी में एक्स्ट्रा जैसे उपसर्ग और प्रत्यय स्पष्ट रूप से पटवारी के अंदर है लेकिन वहाँ नहीं है, पारिभाषिक शब्दावली वाले, बाकी लगभग टॉपिक सारे सेम ही है। बाकी लगभग जो भी सारे टॉपिक है हाई कोर्ट वाले और पटवारी वाले वो सेम ही है। तो समझ गए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस और ये सिलेबस सेम ही है, केवल राजस्थान पुलिस का 5 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन है ना आपके महिला और बाल विकास वाले वो अलग है, क्योंकि पार्ट ए आपका रीजनिंग और कंप्यूटर है कवर हो रहा है, पार्ट बी इंडिया जी के साइंस और करंट अफेयर्स है वो पटवारी के साथ कवर हो रहा है, पार्ट सी राजस्थान जी के और महिला और बाल विकास है, राजस्थान जी के आपकी कंप्लीट हो रही है। महिला और बाल विकास आयोग की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ, या फिर कोई भी मार्केट से आप गाइड लोगे 20 से 30 पेज की गाइड होगी। 5 नंबर के लिए आपको ज़्यादा मरने आवश्यकता, ज़्यादा उसमें मरने की आवश्यकता नहीं है, मतलब मरने का कहने का इन द सेंस कि मतलब उसमें आपको विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। अगर आप तीनों और देखो ये एक स्वाभाविक बात है कि इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है अभी वर्तमान में, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो हर लड़का हर वैकेंसी का फॉर्म डालता है, वो यही सोचता है कि इसमें नहीं तो इसमें, तो यार मेरा हो ही जाए। तो इस समय वो रणनीति सबसे ज़्यादा कारगर रणनीति, लड़का स्टूडेंट जो है वो फायदेमंद रहेगा जिसने ये रणनीति अपनाई कि मुझे कौन सा सेगमेंट पे फोकस करना, कौन से सेगमेंट पे फोकस नहीं करना, और मुझे अगर 3 वैकेंसी है तो देखो बात उस स्टूडेंट की यहाँ ख़त्म हो जाती है जो किसी एक को पर्टिकुलर धारणा बना रखी है कि भाई मुझे केवल राजस्थान पुलिस बनना है, तो फिर उसको दूसरा फार्म भरने का मतलब ही नहीं है। और किसी एक ना अगर ये मतलब कि धारणा बना रखी है कि मुझे केवल पटवारी की तैयारी करनी है, तो उसको तो मैं कहूँगा कि आपको धारणा तो आपने पटवारी की बना रखी है लेकिन आप फॉर्म डाल दीजिए राजस्थान पुलिस का, आपका कवर हो जाएगा, आपका ध्यान रहिए ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ थोड़ी मैथ्स जरूर है, मैथ्स के टॉपिक जरूर है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के 60 क्वेश्चन है, 30 नंबर यहाँ मैथ्स और रीजनिंग के, मैथ्स के 3 या 4 टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। ये परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाले टॉपिक है। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ थोड़ी दबरी होगी लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि ये तीनों वैकेंसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूजन में नहीं रहे और एक स्पष्ट रणनीति से तैयारी कर सके। देखो रणनीति इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास एक रणनीति, एक रोड मैप होता है ना कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो आपकी तैयारी जो है ना वो बहुत ईजी हो जाती है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपको कहाँ से, दिल्ली से जयपुर जाना है। अब आपको पता है कि मुझे कितने किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, कितने किलोमीटर बाद में मुझे राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो एक
रणनीति मतलब आपको पता है स्पष्ट, आपका दिमाग क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता नहीं है कि मुझे इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, तो फिर आप बार बार बीच बीच में रुक रुक के कि सर जयपुर जाना है मुझे, किस तरफ आगे जाके कितना राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है, बार बार पूछोगे, वही चीज़ आपके एग्जाम के अंदर, आपने अगर स्पष्ट रणनीति और एक रोड मैप बना रखा है ना, तो आपको बीच में कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं है, आप बस उस रोड मैप के ऊपर रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि तैयारी के दौरान बीच बीच में आप कन्फ्यूजन का ये जो दौर आता है ना, जिसमें आप कन्फ्यूज होते हो, पढ़ाई से थोड़ा मूड ऑफ होता है, ये चीज़ होती है ना, इससे आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और वो इसी वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी एक विज़न क्लियर नहीं होता, रणनीति आपकी स्पष्ट नहीं होती है। तो ये देखो नंबर बताने को मैं सारी चीज़ों को बता दूंगा, देखो कंप्यूटर यहाँ पर 30-15 क्वेश्चन है 30 नंबर का, इंडिया जीके जो है वो इसके लगभग इंडिया जीके और साइंस के 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर है, इधर इंडिया जीके और साइंस और करंट तीनों मिला के लगभग 17.5 नंबर की 35 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिलेबस जो है ना आपका राजस्थान पुलिस का, इसका सेम है, बस बात कहाँ आ जाती है हाई कोर्ट वाले की। तो अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपका राजस्थान पुलिस वाला जो है ना वो तो आपका कवर है, सिलेबस सेम है, केवल 5 नंबर का महिला और बाल विकास का अंतर है। तो पटवारी की तैयारी करने वाले राजस्थान पुलिस का तो तैयारी साथ साथ जरूर करीजिए, एक चीज पहली सलाह। दूसरी सलाह कि पटवारी की तैयारी करने वाले जो व्यक्ति है वो हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, उनको हाई कोर्ट के लेवल वाली पढ़ लीजिए, ताकि आपका क्या है कि क्योंकि हाई कोर्ट में जो है वो आपका राजस्थान और करंट अफेयर्स है ना, वो इन दोनों में सेम ही है, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, बल्कि यह टॉपिक कम ही है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको फायदा ही होगा, बस एक चीज ठीक है ना, यहाँ पर बहुत कम टॉपिक है हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान के, वो टॉपिकों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके पास सिलेबस है, आप सिलेबस में वो चीज़ आप देख के खुद ही पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये वाला टॉपिक है ये वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आप पटवारी की तैयारी करो तो राजस्थान जी का आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है तो आपका हाईकोर्ट वाली चीज़ कवर हो ही जाएगी। और हाँ, अब ये तो हो गया कॉमन सिलेबस की और जो चीज़ें नहीं थी उसकी, अब बस जो टॉपिक अब आती है मेन रणनीति की, स्पष्ट की कि भाई आपको कैसे किस इस चीज़ को आगे अप्लाई करना है, बात आती है कि हिंदी और इंग्लिश के जिस वैकेंसी के अंदर टॉपिक ज़्यादा है वो वाला टॉपिक आप सारे कवर कीजिए, ताकि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। बात आती है जैसे आप राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके जब आप तीनों के अंदर आपके काम आने वाला है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तीनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, बीच में जितने दिन का डिफरेंस होना है, तो फिर आप क्या कीजिए कि उस समय कि जैसे आपको पता चल जाएगी भाई कि मान लीजिए कि भाई 15 दिन बाद में आपका हाईकोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस समय आप क्या कीजिए कि राजस्थान जीके के जो हाईकोर्ट में लिखे हुए जो टॉपिक है ना उनको स्पेसिफिकली पढ़ लीजिए, उससे पहले आप क्या कीजिए राजस्थान जीके कंप्लीट पढ़ते रहिए, कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ते रहिए, जैसे आपका एग्ज़ाम आए उस एग्ज़ाम के पहले दिन जो वो टॉपिक आपके पढ़े हुए ये उनको थोड़ा स्पेशली उनका अच्छे से रिविज़न कर लीजिए। ये चीज़ पहला पॉइंट कि एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले आप जो भर्ती आने वाली है उस भर्ती के जो टॉपिक है उनको स्पेसिफिकली पढ़ लीजिए और उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पढ़ तो आपने पहले ही लिए, मेन जो फोकस किस पे कर रहा हूँ मैं वो रिवीजन के ऊपर, ठीक है ना। दूसरी चीज बात ये है कि जो सब्जेक्ट आपके कॉमन है लेकिन जिन सब्जेक्ट के टॉपिक ज़्यादा जिस भर्ती के अंदर है उन सारे टॉपिकों को आपको कवर करना है, ताकि इस भर्ती के भी कवर हो जाए उस भर्ती के भी कवर हो जाए। ये दूसरी रणनीति और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि करंट अफेयर्स आपके तीनों के अंदर है, करंट अफेयर्स आपके तीनों के अंदर है, तो करंट अफेयर्स को डेली आप जरूर पढ़िए, ये चीज़। अब बात करते हैं कि ये जो भर्ती है ना, इस भर्ती के लिए आपको पढ़ने की एक रणनीति जो है वो किस प्रकार से अपनानी चाहिए, कि कितने घंटे पढ़ूँ कितने घंटे नहीं पढ़ूँ, जिसमें आपका सारा तीनों भर्तियों वाला सिलेबस कवर हो जाए। तो आपको मैं यह बता देता हूँ कि एक टाइम टेबल या फिर समय सारणी, 2 आवर्स ऑफ डेली जो है वो राजस्थान जीके पढ़िए, राजस्थान जीके डेली, क्योंकि तीनों भर्तियों के अंदर आपके वो है, ठीक है ना। 2 आवर्स आप क्या क्या पढ़िए,
रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, वो आपके इन दोनों भर्तियों के अंदर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन दोनों भर्तियों के लिए, क्योंकि पटवारी के अंदर रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज 90 नंबर है, 45 क्वेश्चन आएंगे, वह कंप्यूटर के और उसके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। बस यहाँ मैथ्स के कुछ टॉपिक ऐड है 4-5 तो, लेकिन मेजर जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो 2 आवर्स, इसमें आप मैथ्स भी इंक्लूड कर सकते हो, जब आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाए तो मैथ्स के जो टॉपिक पटवारी के बचे हुए वो काम इंक्लूड करना, ये चीज़, ये तो कॉमन बेसिक अंडरस्टैंड, ये कॉमन चीज़ है, तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही है कि भाई जब मेरी रीजनिंग कवर होगी तो जो टॉपिक मेरे बचे हुए हैं मैथ्स के वो मुझे इसी समय कवर करने, ठीक है ना। 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे आपको इंडिया जीके और साइंस, देखो यहाँ साइंस में चाहता तो इसको इंडिया जीके के अंदर लिख के ख़त्म कर सकता, लेकिन स्पेशली इसलिए लिख रहा हूँ कि चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, साइंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्यों, क्योंकि वो क्या है कि पेपर को थोड़ा टफ बनाने के लिए साइंस के क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं, इसलिए साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना। कितने घंटे हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं, 1 घंटा डेली 1 आवर्स आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली, वो करंट अफेयर्स पढ़ोगे आपके तीनों भर्तियों के एग्जाम के अंदर काम आएगी। और ये जो टाइम शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक बेसिक टाइम शेड्यूल है, आप चाहो तो इसको अपने अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हो, ये आपका निर्णय है। मैंने एक कॉमन चीज जो एक बेसिक चीज हो सकती है ना, वो चीज आपके सामने डिस्कस करिए। कितने घंटे हो गए, 7 घंटे, 1 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश को एक साथ नहीं, जैसे जैसे आपका सेगमेंट कवर हो जाए, पहले हिंदी हो जाए तो पहले हिंदी और पहले इंग्लिश हो जाए तो पहले इंग्लिश। अब देखो इसमें भी आपको अगर आप हिंदी आपकी अच्छी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो पहले हिंदी को कवर करके रख दीजिए, फिर उसका रिविजन करने का काम करिए, ठीक है ना, फिर इंग्लिश को उठाइए, फिर इंग्लिश के टॉपिक, सॉरी इंग्लिश के जो टॉपिक है उन टॉपिक को करिए। ये 8 घंटे की आपका सिलेबस है। देखो ये 8 घंटे है, आपको पता है कि आपके ये जो सारे एग्जाम है ना वो 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है ना, 4 से 5 महीने के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। अब ये 4 से 5 महीने, ये 8 घंटे का जो मैंने शेड्यूल बताया, ये 12 महीने आपके लिए नहीं बताया, इसलिए आपको इस तरीके से बैठ के पढ़ना है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है भाई, तब ही आप निरंतर रूप से इस शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे। वरना होगा कि अरे यार मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ूंगा क्या, अरे भाई तुझे 12 महीने बैठ के नहीं पढ़ना है, तुझे केवल 4 से 5 महीने बैठ के पढ़ना है, क्योंकि इन 4 से 5 महीनों के अंदर आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, जिसमें आपका देखो यहाँ तक आप आते हो ना तो आपके तीनों भर्तियों का बहुत बड़ा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, हाई कोर्ट की भर्ती का राजस्थान जीके, और यहाँ ये तो राजस्थान पटवारी और वो तो कंप्लीट हो ही जाता है, पुलिस केवल पटवारी का हिंदी और इंग्लिश बचता है। इस 1 घंटे के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश कर लीजिए इनके अच्छे से, ताकि पटवारी का भी कंप्लीट हो जाए, और ये हिंदी इंग्लिश आप करोगे तो आपका हाई कोर्ट का भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हाई कोर्ट में बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस सब्जेक्ट के टॉपिक सिलेबस के अंदर ज़्यादा है उस वो ज़्यादा वाले टॉपिक कवर करना है, ताकि सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाए। ये एक बेसिक अप्रोच है, एक समन्वित रणनीति है, जिसके साथ आप तीनों एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट हो, और अगर आप स्पेसिफिक पटवारी और राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हो, तो इन तीन दोनों तैयारियों के मास्टर वीडियो मैंने बना रखे हैं, पटवारी की तैयारी का मास्टर वीडियो भी है और राजस्थान पुलिस की तैयारी का मास्टर वीडियो भी है, उनको देख सकते हो आप कि स्पेसिफिक अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो स्पेसिफिक कैसे, क्योंकि वहाँ मैंने स्पेसिफिकली उन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया है, कितनी कट ऑफ, कितने नंबर का टारगेट, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, सिलेबस का एनालिसिस क्या है, पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, रिवीजन की क्या रणनीति होनी चाहिए। जो रिवीजन की रणनीति मैंने मास्टर वीडियो में बताई है ना, वो रिवीजन की रणनीति आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत बार होता है क्या यार लड़के वीडियो देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी करो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो लेकर सकता हूँ। और हाँ, इसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।